लोकसभा चुनाव 2024 से पहले द्वारका विधानसभा में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में राज बलवान सिंह सोलंकी के नेतृत्व में द्वारका विधानसभा के आम आदमी पार्टी के पूर्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे अनेक लोगों ने पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे मनोज तिवारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पूर्व महापौर रही आरती मेहरा की उपस्थिति में भाजपा का पटका पहनकर भाजपा की सदस्यता ले ली है। आम आदमी के ये आम आदमी के लिए देशभक्त लोग हैं, आम आदमी नहीं है यहाँ, ये देशभक्त लोग हैं। ये आम आदमी पार्टी से केवल देश के लिए जुड़े थे। जिस तरह से केजरीवाल ने नारा दिया था कि भी हम देश को आगे बढ़ाएंगे, नौजवानों के लिए करेंगे, लेकिन कहीं भी कोई भी उनका नारा आज पूरा नहीं हुआ, तो उससे दुखी होकर के उसकी कार्यशैली से, उसके काम करने के तरीके से ये बहुत तरह दुखी हुए। और उस दुखी होने के कारण अब ये वापस, इन्हें ये महसूस हुआ कि जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, बहन कमलजीत सहरावत ने इसमें MCD के अंदर काम किया है, बिल्कुल अतुलनीय है, तो इन लोगों से प्रभावित होकर के वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, उनको ऐसा महसूस हुआ कि अगर देश का भला हो सकता है, अगर समाज का भला हो सकता है और देश का विकास हो सकता है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये बताएं कि आज आप BJP ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, जबकि हमने देखा है कि आपने आम आदमी पार्टी में काफ़ी सारे ऐसे कार्य किए हैं जो एक नेता के होते हैं, जो पद पर होते हैं, लेकिन आप उस पद पे भी ना होते हुए भी आपने वो कार्य किए हैं, तो क्या कारण माने कि हम आप आज BJP ज्वाइन कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम गोल्डी बेदी है। मैं आम आदमी पार्टी में द्वारका विधानसभा में कोषाध्यक्ष था और गोपाल राय जी की टीम में पर्यावरण मित्र के अंदर मैं द्वारका विधानसभा कोऑर्डिनेटर था। मैंने उन पदों से इस्तीफा दे दिया है। आज मैं सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। और सबसे बड़ा कारण जो मेरा है आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन करने का, उसमें तो कुछ मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो उनकी वर्ल्ड वार, जो उनका डंका बज रहा है, वो तो है ही। साथ ही जो द्वारका विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं द्वारा जो कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है, मैंने इतना काम किया पार्टी के लिए, आज मैं किसी काम के लिए जाता था तो मेरी सुनवाई नहीं होती थी, काम नहीं होते थे, मना किया नहीं जाता था कि काम नहीं होगा, काम करेंगे, देखेंगे, ये सब वो शब्द यूज़ किए जाते थे, लेकिन काम नहीं होता था तो बड़ा दुख होता था। पब्लिक हमसे उम्मीद करती है, हम उनके लिए वोट मांगने जाते हैं, और जब हम उनके लिए वोट मांगने जाते हैं तो पब्लिक नेता के पास नहीं जाती, पब्लिक हमारे पास आती है, हमसे बोलती है कि भैया आपके कहने पर हमने वोट दिया था, आप हमारा काम करवाइए। और जब हम नेता के पास काम के लिए जाते हैं तो नेता बोलता है भाई थोड़े दिन उनकी और गाली सुन लो, हम बाद में काम करा देंगे। विधायक कार्यालय से हमें ये बोला जाता है कि भाई थोड़े और जूते घिस लो और नए जूते ले लो, अगर जूते घिस गए हैं तो। मतलब बड़ा आघात महसूस कर रहा था, हमें बड़ा बुरा लग रहा था, घुटन हो रही थी, बड़ा अजीब लग रहा था। परिवारवाद इन्होंने बना दिया, तिलोत्तमा जी इनके परिवार की, उनको निगम पार्षद बनवा दिया, विधायक विनय मिश्रा खुद विधायक बन गए, आज पिताजी को सांसद की टिकट लेके आगे सांसद बनाना चाहते हैं, इनके मामा का लड़का अशोक पांडे वहाँ से निगम पार्षद है विकासपुरी से, तो अब सारे अपना परिवार को ये इन्वॉल्व करते जा रहे धीरे धीरे। जो असली कार्यकर्ता है उनको उन्होंने छोड़ दिया, उनका बहिष्कार किया इन्होंने, उनका शोषण किया इन्होंने, तो बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है आम आदमी पार्टी को छोड़ने का। विशाल गोल्डी बेदी, गौरव शर्मा, माला, SS ओझा, मीनू वर्मा, धनेश शर्मा, संदीप चौधरी, देवेंद्र, मोहित गुप्ता, जितेंद्र टमचा और सुनील गुप्ता ने आज सामूहिक रूप से सदस्यता हासिल की। इस मौके पर SC ST विंग की पूर्व अध्यक्षा ने मीडिया से बात करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए, हालांकि इनके द्वारा शिकायत भी दर्ज करवाई गई है और जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल वह उन्हीं आरोपों को एक बार फिर दोहरा रही हैं जिन्हें अक्सर वह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने लाती रही हैं। जी, मैं मीना वर्मा, मीनू, जो यहाँ से आम आदमी पार्टी से मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं जो आम आदमी पार्टी के में जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसको देखते हुए मैंने आज BJP ज्वाइन की है। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले 25 सालों से मैंने दोनों पार्टियों को देखा है, पिछले 25 साल से तो मैं एक कांग्रेसी थी
उसके बाद 2020 में महाबल मिश्रा ने और उनके बेटे ने मुझे टिकट का वादा करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई थी, लेकिन वो तो दोनों बाप बेटे सब में ज्यादा वरिष्ठ निकले, जो केजरीवाल जी कहते थे ना कि हम वरिष्ठ नहीं है, लेकिन उन सब में ज्यादा वरिष्ठ निकले उन्होंने मेरे ही। मैं उनके लिए इतनी मेहनत करी, आम आदमी पार्टी के लिए इतनी मेहनत करी, मैंने इनको जितवाया, मेहनत करी, उसके बावजूद उन्हें पार्टी फंड के नाम पे विनय मिश्रा ने मेरे 10 लाख रुपए खाए। जब मैंने उनकी कंप्लेंटें करी तो उन्होंने मेरी कंप्लेंटें ऊपर नहीं आने दी, दबा दी गई। और उसके बाद इन्होंने विनय मिश्रा ने ये 15 नवंबर की बात है, जातिक सूचक शब्द मुझे बोले गए, और उसको देखता हूँ इस तरीके से विधायक। और उसके बाद विनय मिश्रा पे इस चीज की, विनय मिश्रा पे जो 31 जनवरी 2024 में मंगोलपुरी थाने से FIR भी है, FIR होने के बावजूद भी महाबल मिश्रा XMP होने के नाते, ये मौजूदा विधायक होने के नाते मेरी कार्रवाई दबाई गई। लेकिन मैंने अरविंद केजरीवाल जी से मैंने 50 दफे काफी दफे गई कि मुझे टाइम दीजिए, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो कहते हैं ना अरविंद केजरीवाल जी कि महिला, वो किसी महिला के नहीं है, खाली एक सत्ता के लिए महिलाओं का नाम यूज करते हैं, महिलाओं के हैं, वो महिलाओं के नहीं है। उन्होंने मैं भी तो एक महिला थी, उन्होंने ये नहीं देखा कि चलो वो 25 साल अपने कांग्रेस को देके आई है, लेकिन अभी तो हमारी मौजूदा, अभी तो हमारी यहाँ की कार्यकर्ता है, तो उसकी हम सुनी जाए, उनकी सुने कि भाई वो क्या परेशानी है क्या नहीं है। लेकिन उनको है ना एक गरीब महिला की, एक गरीब कार्यकर्ता की दुख तकलीफ नहीं दिखती उनको। एक तरफ परिवारवाद भ्रष्टाचार है, एक तरफ परिवारवाद भ्रष्टाचार है महाबल मिश्रा, और दूसरी तरफ हमारी बहन कमलजीत जी है जो पढ़ी लिखी सुलझी हुई मान सम्मान कार्यकर्ताओं को देने वाली। और मैं ज्वाइन कर रही हूँ मोदी जी के काम को देख के, मैंने ज्वाइन किया जो देश के लिए देख के, जो कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो मान सम्मान दिया है वो जगह, मैं यही कहूंगी कि हमें क्षेत्रीय काम चाहिए, मान सम्मान चाहिए, अपने क्षेत्र में काम चाहिए, हमें परिवारवाद नहीं चाहिए। हमें जो परिवारवाद हो रहा है, हमें महाबल मिश्रा को कोई वोट ना दे, कमल का बटन दबाए और हमारी कमलजीत बहन को विजयी बनाए, महाबल उसको क्या बोले मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए। और मेरा यही नारा है कि BJP जिंदाबाद, और जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार और 400 पार ये रहेगी। धन्यवाद। BJP ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? नमस्कार जी, मैं धनेश शर्मा, सचिव मैरोली जिला कांग्रेस कमेटी। आज BJP ज्वाइन करने का मेन कारण ये है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस पार्टी को, पूरी पार्टी को खत्म किया, आज उसका गठबंधन जो हुआ उसके हम खिलाफ है, कांग्रेसी कार्यकर्ता जितने हैं। और दूसरी बात, जो एक पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा जी को टिकट दिया गया है, उन्होंने हमारे जो मेन नेता है राहुल गांधी जी, उनको गालियां देते थे वो, जो महाबल मिश्रा जी हमारे कांग्रेस के मेन राहुल गांधी जी को गालियां देते थे, आप उनके लिए हम प्रचार कैसे कर सकते हैं? इस वजह से हमारे बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। और दूसरी बात, हमारा तो सिद्धांत या नेता का सिद्धांत तो ये होता है कि अपने लिए नहीं, अपने साथी के खिलाफ अगर अत्याचार होता है तो उसके साथ खड़ा हो पा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं तो यह भ्रष्ट है, इनको भ्रष्टाचारियों को भगाना है। और बहन हमारी जो कमलजीत जी है, पढ़ी लिखी समझदार, इनको जिताना है। और मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसको उनके सपने को पूरा करना है, और उनके कार्य जो दिख रहे हैं उसको हमने आगे बढ़ाना है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कैलाशपुरी रोड पर स्थित झुग्गियां, जिनकी प्रधान है माला, उन्होंने भी इस मौके पर भाजपा की सदस्यता ली और कई गंभीर आरोप भी लगाए। आज आप BJP ज्वाइन करें, क्या कारण है? आम आदमी पार्टी में थे और लेकिन आज आप BJP में ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सागरपुर वार्ड नंबर 108 से हूँ। मेरा नाम जयमाला है, मैं सागरपुर झुग्गी की प्रधान हूँ। मैं जीजे सेल में अध्यक्ष हूँ और मैंने काफ़ी टाइम आम आदमी पार्टी से मैंने काम करा है। मैंने अपना 15 साल दिया उनको। आम आदमी छोड़ने का रीज़न मेरा यही है, मान सम्मान, और जो कार्य हमारे नहीं हो सके। हम पार्टी को ज्वाइन इसलिए करते हैं कि जो हमारे छोटे मोटे जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले आप होते हैं, जो रेडी पटरी वाले हो गए, उनके बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, आप उनके साथ अपना वसूल करना, उनसे ना बस सुलीकी करना और हमारे को मान सम्मान ना देना, हमें पार्टी से क्या चाहिए होगा? मेरा आम पार्टी छोड़ के BJP में आने का रीजन यही है कि एक मान सम्मान, जो हमारे जो काम होते हैं वो काम होने चाहिए, और इससे ज़्यादा मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने पहले कुछ ऐसी इंसिडेंट हुआ, उसमें हमारे विधायक ने हमारी नहीं सुनी,
वहाँ पे आपने सम्मान की गिलानी, इतने टाइम तक काम करने के बाद भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती है कार्यकर्ताओं को, तो रिजाइन देने का वो कारण था। और भाजपा ज्वाइन करने का ये कारण है कि मोदी जी की नीतियों से हम काफ़ी प्रभावित हैं। वैसे जाति से हम ब्राह्मण हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो मोदी जी के बहुत सारे ऐसे जो काम किए हैं हमने हिंदू सनातन के लिए काम किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनके हम देखते हैं, आगे भी बहुत सारा उनका उसमें है मैनिफेस्टो में सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, जिससे हम बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, हिंदुत्व के लिए, सनातनी के लिए उन्होंने जो सारे स्टेप ले रहे हैं, और भी बहुत सारे देश विकास के लिए नीतियाँ हैं, जैसे बहुत सारे अभी टाइम लग जाएगा, मैं उनके 10 साल का कार्यकाल आपको इतने शॉर्ट टाइम में नहीं बता सकता, लेकिन आप यहाँ से लेकर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड जो इंडिया के लिए उन्होंने वो किया है, वो मतलब इन सब चीज़ों से लेकर के मैं तो एक 50 ईयर का होने जा रहा हूँ, लेकिन जो यूथ है, जो आइकॉन है उनके मोदी जी के, जो पढ़ा लिखा यूथ है आज मोदी जी को पढ़ता है, मोदी जी उनको पढ़ते हैं, जो हमारी विदेश नीति है, जो हमारे नेशनल हाईवे हैं, जो हमारे सेंट्रल जितने भी सारे प्रोजेक्ट हैं, आयुष्मान हो, किसानों को लेकर के बहुत सारे ऐसी जो योजनाएं हैं, उससे काफी दिन से मैं प्रेरित हो रहा था। द्वारका विधानसभा के जिन लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ली है, उनका दावा है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोग भी हैं जो भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं, जिन्होंने कुछ समय के लिए अभी सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा करने से इनकार किया है, लेकिन जल्दी ही द्वारका विधानसभा से कुछ और ऐसे चेहरे होंगे जो भाजपा के कमल के साथ खड़े नजर आएंगे। पश्चिमी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत आज द्वारका विधानसभा में सेंध लगाने में कामयाब रही, जहां इन्होंने आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करवाया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस उलटफेर में निश्चित रूप से बीजेपी की कुछ वोट बढ़ सकती हैं और आम आदमी पार्टी की घट सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आज कार्यकर्ताओं ने जिस तरह गंभीर आरोप लगाए वो अपने आप में जांच का विषय है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन फिलहाल ये आरोप काफ़ी गंभीर नजर आते हैं और ये जीत पर कितना असर डालेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं के आरोप गंभीर हैं। मैं गुलशन सैफी, दिल्ली प्रदेश कार्यालय भाजपा, न्यूज़ फोल्डर दिल्ली।